किन बिंदुओं के आधार पर जनता के बीच समर्थन की मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पिछले 15 सालों से शिवराज की सरकार चल रही, हमारा मेन फोकस हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता के बेहतरी के लिए रहा है। तो आज भी हम लोग अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जो शिवराज सरकार ने पिछले 15 सालों के भी दौरान जो काम किए हैं उन्हीं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारा मेन फोकस अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें अधिकतर जगह पर बन चुकी है, लेकिन कुछ जगह पर मिसिंग लिंक्स है, कुछ जगह कनेक्टिव रोड्स बची हुई है, उन्हें हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से जनता का रिस्पॉन्स है वो तो काफ़ी अच्छा है। वैसे 15 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देखा जाता है कि शासन और सत्ता के प्रति जनता में नाराजगी रहती है, कितनी इनकंबेंसी देख पा रहे हैं आप जनता में? ये तो हम लोगों ने भी हमेशा सुना है कि कुछ सालों में जनता जो रहती है, एक एंटी इनकंबेंसी फैक्टर होता है कि जनता जो सत्ता पक्ष रहता है उसके विरोध में खड़ी होती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार जनता सरकार के साथ में है और वो अति उत्साहित है, क्योंकि जो 15 सालों का जो कार्यकाल रहा है वो एक बेहतरीन कार्यकाल रहा है शिवराज सरकार का। हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हमारी माता और बहनों को उनकी योजनाओं का फायदा मिला है। ये उसी का रिस्पांस है कि अभी तक एंटी इनकंबेंसी नहीं है, बल्कि और बेहतर तरह से उत्साह के साथ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनता में जब आप इन विषयों को लेकर जा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं तो वो कितना सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं आपको? मुझे लगता है कि पिछली बार बैतूल ने 5 विधानसभा सीट जीती थी, इस बार भी 5 सीट जीतेगी, लेकिन इस बार मतों का अंतर और बेहतर होगा और ज़्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्रीमान डॉक्टर पंडागिरी जी उपस्थित हैं और मैं आशाजनक आप सभी की तरफ से बड़ी खुशी के साथ मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहूंगा कि हमारा MW कॉलोनी वार्ड नंबर 10 हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ में सब एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए सभी माताएं बहने कहेंगे, योगेश भैया संघर्ष करो, स्वागत की बेला को प्रारंभ किया जाए। और इसी के साथ वार्ड नंबर 10 महिला मोर्चा मंडल हमारी प्रिय दीदी साहू दीदी जी से मैं निवेदन करता हूँ वे आए और आके डॉक्टर साहब का स्वागत करें। फटाफट आ जाए जिसका भी नाम आ जाए। इसी के साथ हमारे इतना बढ़िया सहयोग मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों का सहयोग और उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से के लिए सरकार सत्ता जिससे भी लड़ना पड़े आप लोगों के साथ। आपके सहयोग की जरूरत है, उसके बाद मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। जो मजबूत हाथ होंगे ये आपके लिए ही उठेंगे।